तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी हो। हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं फिर से अगेन मुंता भाई के घर आया हुआ हूँ। तो अभी हम एक और न्यू चैलेंज करने लगे हैं, बड़ा दिलचस्प ओपी चैलेंज है। सही है, ऐसा ही मुंता भाई? जी जी ऐसे ही है भाई। तो भाई बिना किसी बोरियत के करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो हसीब भाई थोड़ी सी हेल्प करिएगा हमारी, इधर आइएगा, ऐसे ही कैमरा पकड़िएगा। ओके आ जाओ। सो गाइस आज का जो व्लॉग है बहुत ही ओपी होने जा रहा है। तो मेरे साथ है मुंता भाई। आज के व्लॉग में ना यार अब अगर ऐसा कुछ किया मैं तेरी चुम्मी ले लूंगा, फिर ऐसा कोई स्लैप कर दूंगा। सही है। तो जी आज का जो व्लॉग है हमने सोच लिया हमने क्या करना है। ये जो बंदा होता है ना वेला फ्री घर से निकम्मे जो होते हैं। हाँ निकम्मे, मुझे पता है मैं कितना निकम्मा हूँ। किसे पता है ये कितना निकम्मा है? मैं भी निकम्मा हूँ फिलहाल घर वालों की नजर में। तो इधर आओ भाई। यार ये काइट बसंत की याद आ रही है मेरे को, इसकी तरफ करना कैमरा। तो अभी इस टाइम रात को ये आप क्या करने लगे हो? मैं कुछ बताने लगे थे यार, और बिना किसी बोरियत के करते हैं स्टार्ट आज का चैलेंज। तो आप बताएंगे या मैं बताऊं? अच्छा ये जो चीज है ना जो अब हम चैलेंज करने जा रहे हैं आप बताएंगे पब्लिक को, बताएं कौन सा चैलेंज करने जा रहे हैं? बताया नहीं आपने? बताया है मैंने यार, उधर पब्लिक को बताना है। मेरे कार्ड मेरे कार्ड में नहीं, चलो लाउड बोल दे भाई, बोलना आपने भी बोलना है। तो आज का जो चैलेंज है ट्रूथ एंड डेयर, लग रहा है कि नहीं के अंदर एंड डेयर। तो जी ट्रूथ एंड डेयर कुछ सीन ऐसा है। क्या था ट्रूथ एंड डेयर फिर बताना यार? अच्छा एंड एक बार बोल दिया ठीक है, अब ठीक है बोल दिया मैंने, अब नहीं बोल रहा मैं। तो जी अच्छा बात हो भाई यार स्टार्ट करने। तो जी सीन ये है, तो ना अभी हम ना यहाँ पे दो ग्लास रखेंगे, एक में नमक वाला पानी होगा और एक में होगा हल्दी वाला पानी। तो एक सवाल मतलब एक बार मैं इसे पूछूंगा ट्रूथ एंड डेयर, अगर इसने बोला डेयर तो मैं इसको डेयर दूंगा, अगर इसने बोला ट्रूथ डेयर मीन कोई भी चीज करनी है कुछ भी करके दिखाना होगा जो मैं तुझे बोलूंगा। सही है। तो एक बार ये मुझसे पूछेगा सही है। तो अगर वो मतलब के इससे चैलेंज कंप्लीट ना हुआ जो हार गया तो उसको एक मतलब के अपने पसंद का पानी यानी एक या हल्दी वाला भी पी सकते हैं या नमक वाला पानी भी पी सकते हैं। सही है। oh, no. भाई चैलेंज एक्सेप्ट। तो जी ये रहे दो ग्लास। एक और बात, मैं आ जाया हूँ मुंता के पास, ये कर रहा था मेरे साथ प्रैंक जो हो गया रॉन्ग यार, बहुत सैड फील हो रहा है। यार मुंता भाई कोई मसला नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना, अच्छी ट्राई करना, उम्मीद है मेरे साथ प्रैंक हो जाएगा। तो अभी ये मुंता भाई इसमें पानी डालो। थोड़ा सा हुआ था ना प्रैंक ये, ना इसमें पानी डालें आप। पानी नहीं है थोड़ा सा इसको हाफ ग्लास होना चाहिए। हाँ इतना ठीक है बेटर। ओए नमक इतना नहीं डालना, एक सेकंड बात पता है मुझे। हाँ ए इतना भी नमक जो है ना इतने से पानी के लिए ना काफी है। तो ये हल्दी वो इतनी ज्यादा बस ये पहले टेस्ट करके एक सेकंड इसको हिला। ये तो मैं ये रहा हल्दी वाला पानी और ये रहा नमक वाला पानी। सही है। तो अभी हम करने लगे चैलेंज स्टार्ट। चैलेंज भाई पहले मैं सवाल करूंगा आपसे या आप करेंगे? हाँ मैं करूँगा। चैलेंज ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ डेयर ट्रूथ। तो जी मुंता ने ट्रूथ चूज कर लिया है,
मुंतहा ने ट्रूथ चूज कर लिया है, तो अब मैं ऐसे करूंगा सवाल जिसका इसको सच सच जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब ना दे सका तो जी इसको इन दोनों में से हाँ दोनों कोई भी पानी पीना होगा थोड़ा सा, ठीक है। दो सीप लगा लेना। आपने क्या चूज किया है? ट्रूथ भाई ने चूज किया। अब इसके हिस्से में अपने लगाऊं सवाल, तो भाई मैं किसी भी किस्म का सवाल कर सकता हूँ आपसे, सही है? ओके रेडी हो आप? ओके बिल्कुल रेडी। तो जी आपने लास्ट टाइम अपने डैड से, अपने बाबा से कब मार खाई है? एक साइड बात तो सुनो, से बता रहा। अच्छा बता, बात तो सुनो, कब खाई है और कितनी बार खा चुके हो अब तक, कुछ याद है? चलो परसों खाई थी। परसों? कसम से परसों डैडी से मार पड़ी। किस वजह से पड़ी थी? वैसे ही यार, पता नहीं, गुस्सा था। गुस्सा था तेरे पे निकाल, घर पे सबसे छोटे हो ना, तो इस पे गुस्सा निकल जाता, कोई मसला। तो मार तो ये बहुत पड़ती है मुझे, लेकिन अब कम होगी, पहले बहुत पड़ती थी। हाँ तो अभी तक मैं बता नहीं सकता कितनी मार के बावजूद अभी तक ये ना, मतलब मैं बोलूं भाई? चल बोलो, बोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकता कितनी मर्तबा मार पड़ चुकी है, ठीक है? मैं सब बता दिया करके देखो। पहले तो जा यार, बोल सही से कर, मुंह तो ना तंग कर। एंड देयर ट्रुथ कौन सा? ये वाला देयर, ये एंड ये। तो ये मैं क्या चूज करूं? ये आपको बता, मैं भी ट्रुथ फर्स्ट टाइम ट्रुथ चूज कर रहा हूं। अच्छा हाँ, आपका दिल कितनी मर्तबा टूटा है? ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा। किस वे से बोल रहे हो आप? जीएफ। जीएफ तो नहीं है मेरे। नहीं बता रहा। ओके यार बहुत गड़बड़ है, जहर है ये तो, जहर है। पता तुम्हारा ना, बताता तुम्हारा। चलो भाई आने दे, मेरी बारी हो। आपकी बारी। तो जी मैं करने लगा मुंतहा सवाल, ट्रूथ डेयर? फिर से ट्रूथ यार, डेयर भी तो चूज करना है ना। डेयर ये बेचारा ये देख रहा होगा मेरे को तला, और मुंतहा चूज ही कर रहे हैं, ये तो कोई सीन नहीं है। ट्रूथ देखने दो, ट्रूथ चूज किया है। क्या कभी आपने लड़की को आई लव यू बोला? श्योर बोला? हाँ ना। अच्छा हाँ ना, तो वो मतलब के कब बोला है? कितनी देर बोले? 8 साल पहले। तो उसके बाद कभी भी नहीं बोला? नहीं ये झूठ है, सच बताना है, सच। दिल से नहीं बोला, दिल से नहीं बोला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 8 साल के बाद तूने लड़की को मतलब बोला, लेकिन दिल से नहीं बोला। चल ट्रूथ एंड डेयर। डेयर कौन सा? ये वाला बड़ा डेयर। हाँ क्या डेयर है? आपके पास 5 सेकंड है, ठीक है, और 5 मरतबा आपने अपने ना यहाँ 5 थप्पड़ मार लिए। 5 थप्पड़ मारने हैं? कैसे? जोर से थोड़ी सी, 1 2 3 4 5। ट्रूथ डेयर? ट्रूथ फिर से ट्रूथ? हाँ ना, डेयर तूने यूज नहीं करना है। मुंतहा भाई सवाल ये है कि हम दोनों की जो दोस्ती है, इस दोस्ती को कितनी देर हो गई इसका? आपने ना, चलो डेट तो आपको नहीं याद होगी, हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे, आपने मंथ बताना है हम किस मंथ में मिले थे। किस मंथ में मिले थे? हम किस मंथ में मिले थे एक दूसरे को? आपके पास टाइम है 5 सेकंड्स। 1 2 मई में। तो गाइस मैंने मुंतहा भाई से सवाल किया था कि हम किस मंथ में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो भाई ने जवाब दिया मई में, सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। फुल प्रूफ के साथ हम मिले थे जून में, ऐसा ही है, हम मिले थे जून में, हमारी पहली मुलाकात जून में हुई थी, पिछले साल की जून में। हाँ पिछले साल जून में हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो जी भाई अपना ग्लास चूज करें, समझ रहे हो ना? ओके ट्रुथ एंड डेयर। ट्रुथ, ये ट्रुथ है। चले सवाल ये है कि आप पहली मर्तबा
लड़की के साथ डेट पे कब गए और किस दिन गए? मैं तो नहीं गया कभी भी। झूठ पीला भाई देख। अरे मैं गया ही नहीं कभी। यार पीला ना फिर डेट कभी भी। हाँ मैं बस सच बताता हूँ, डेट पे नहीं गया भाई मैं ना। यार मैं स्कूल में जब सेवन क्लास में था ना, तब मुझे पहला फर्स्ट लव हुआ। फर्स्ट लव मैंने ये नहीं यार, ये कोई डेट हो उसको मैं मिला था। हाँ मैं क्लास में मिल मिले कभी भी नहीं लेके गया। सच्ची में कभी भी नहीं लेके गया। हाँ मैम मुंता भाई से पूछने लगा हूँ, ट्रूथ डेयर? ये भाई ट्रूथ फिर से ट्रूथ मर्जी है, डेयर से बड़े डरते हो। ट्रूथ जो सच है ना वही मैं पूछने लगा हूँ। सेम क्वेश्चन भाई जो पिछला क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया है, आप लड़की के साथ कितनी बार डेट पे गए हो? ये फंस गया। सच बताना है आपने? डेट पे नहीं कभी गया मैं, ठीक है। आप लड़की को मिलना डेट होता है ना, आप कितनी बार लड़की को मिले हो? हाँ मैंने एक फैन पेज थी, लेकिन वो मैं अपने ना सिस्टर को लेने गया था, उसमें मेरे साथ पिक करी थी, वहाँ मिले। सच बताना है मेरी बात यार, मैं सच नहीं बताया। अगर नहीं सच बोला जाए तब भैया दो गिलास पड़े आपके सामने, आप पी सकते हो। इसने देखना यार, वो इस बात का गवाह है ये बंदा। क्या बोलूं मैं किसी बिर में नहीं ये हसीब भाई, हसीब भाई इस बात का हसीब ना कसम भाई, मैंने आपको ऐसी कसम डाली, सच बताना हो। मुद्दा भाई बताए कितनी बार लड़की को मिले हो? लड़की को नहीं मिला मैंने, बता दिया आपको। मैं नहीं मानता उसके साथ, उसके पापा मैं नहीं मानता, आपकी मर्जी पे कभी नहीं। मैं नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मिला कभी नहीं, लेकिन ये बगड़ा भी पीर पी लेते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ ये चीज, ये क्या एक सिप लगाया, एक सिप था ये, इसको भी टेस्ट कर ले भाई, भाई एक एक क्या? चलो अगली बार मैं इसको करूंगा अगर भी मिला नहीं। एंड यार कौन सा ट्रूथ, कौन सा था ये वाला? फिर से ट्रूथ। ओके कसम से ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कौन बनेगा करोड़पति? आप दो, आपको इन दोनों में से कोई भी, मतलब मुझे पीना होगा। जल्दी से सवाल करें, अगर मैं जवाब नहीं दे सकता तो इनमें से पीना होगा। सच बताना है? हाँ सच बताऊंगा इंशाल्लाह। एक टाइम में मतलब कितनी रोटी खाई है? एक टाइम में ये कोई सवाल नहीं क्यों, है क्यों नहीं बताओ? सवाल करो ना, ये सवाल ही मतलब हाँ सबसे ज्यादा। हाँ सबसे ज्यादा, एक दो तीन चार पाँच छह पूरी मतलब लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा रोटी है कितनी खाई होंगी मैक्सिमम? सही है आज तक यार, एक होती है बड़ी किस्म की, भाई ये बताओ, मैं वही बताने लगा हूँ, सच बताऊंगा सच, यहाँ तक मेरा अंदाजा है। सही है, सच बताना है एक बार ये भी। हाँ मेरे माइंड में नहीं है, मैंने ना तीन और आधी रोटी होती है ना जो आज तक जो होती है, साढ़े तीन रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खाई है कभी। पक्की बात है? पक्की पक्की, इससे ज्यादा नहीं कभी भी खाई। बाहर की अक्सर रोटियां होती है वो बहुत बारीक होती हैं, वो खा लेता हूँ घर में। अभी यकीन करें मैं एक रोटी से ज्यादा ना, व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करना। अभी हम एक दो सवाल करके करते हैं यहाँ पे व्लॉग का एंड। तो भाई ट्रूथ एंड डेयर, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, ये डेयर है। डेयर डेयर, ओ यार शुक्र है तूने डेयर चूज किया। पकड़ छोड़ोगे आपने ना भाई, पूरे एक मिनट का सॉन्ग सुनाना है। ओ सॉन्ग का नेम जो है मैं आपको बता रहा हूं भाई, एक मिनट में चले, 30 सेकंड 30 सेकंड तक सॉन्ग सही सुनाना है आपने। सही है बोल गया, इसको तो छोड़ो यार। चले ये सॉन्ग जो है वो मैं आपको बताता हूँ यार, ये 30 आप अपनी मर्जी का सॉन्ग सुना दो। 30 सेकंड, 2 1 स्टार्ट। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में। आगे क्या सुना? चल अब मैं 12 से स्टार्ट कर, 3 2 1 स्टार्ट। कल थे यही माय फेवरेट सॉन्ग, क्यों अब से स्टार्ट है? चलो हाँ वो टाइम आ गई, तू बीच में कल थे यही क्यों अब नहीं,
तुम और मैं साथ दोनों क्या मिल गई तुमको खुशी। ओ हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ओके जुदा ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फिर याद रहेगा दिल में। ये क्या है? खत्म हो गया भाई, कुछ चिमटा लेके देना है गोरमे के पास बैठना। ये व्लॉग देख के आपको काफी मजा आया होगा मुझे पता है, ऐसे है ना? बिल्कुल। तो ये व्लॉग इतना प्यार देना आपने, जो आपका दिल है ना निकाल के, जैसे इमरान खान अपनी आवाम को प्यार। खाना गुड बॉय, यस बहुत तेज है। व्लॉग एंड करते हैं भैया। हाँ तो गाइस ये व्लॉग जो है इसको आपने 10K लाइक्स का टारगेट है, 10K लाइक्स कंप्लीट कर दें ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो भाई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। ट्रूथ कह ले, ट्रूथ, कोई इशू ही नहीं है, ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर।